हेलो, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स. हम लोग जिस कोर्स के बारे में इतना दिन से चर्चा कर रहे थे, फाइनली वो स्टार्ट होने जा रहा है. आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जो इस कोर्स के अराउंड 4 से 6 बैच ले चुके हैं और हर एक बैच में अमेजिंग रिस्पॉन्स, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आया हुआ है. हमारा इवन आपके बीकॉम के कोर्स में भी एक चैप्टर सब्जेक्ट आ चुका है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स. तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी आपको टैली में हेल्प करेगा. टैली के बिना ये सब्जेक्ट होगा नहीं. इसमें ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स है, वो भी आपको कराया जाएगा. तो ये सारे जो चैप्टर्स है, इसका जो एक्सपर्टाइज वो आपको देने जा रहे हैं वो ये. करण विजय इनका नाम है. ये अभी तक जो भी बैचेस लिए उनमें उनका रिस्पॉन्स बहुत ही सुपर्ब रहा. हम लोग का लाइव बैच जो है वो भवानीपुर में ऑलरेडी चालू हो चुका है. अगर आपको वीडियोस भी चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको सिर्फ ये आपके एग्ज़ाम में ही काम नहीं आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आप एंटर करिएगा तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू टेबल पे पूछा जाएगा कि आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंसी है. तो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो सबसे मोस्ट अवेटेड रहता है वो उन सुनना चाहते हैं वो लोग एक्सेल. एंड एक्सेल तो आजकल देखिए कॉमन चीज़ है जो मोर और लेस लोग सुने हैं. मैं नहीं कहूँगा कि जानते हैं, बिकॉज एक्सेल के समुंदर में आप जब डूबोगे तो बहते ही रह जाओगे. ठीक है, तो टैली तो बहुत ही दूर की बात है. टैली बोलता है सब मुझे आता है, कब टैली देखा हुआ है, एक्चुअली खोला हुआ है, चलाया हुआ है. काफ़ी कॉलेजेस में भी सिखाया जाता है, बट वो क्या होता है वो आपको भी पता है, कितने मेहनत से हम लोग सीखते हैं वहाँ पे. खैर, जो भी है उनकी अपनी मेथोडोलॉजी है, हमारी सिस्टम ये है. और आज हम आपको एक छोटा सा सर आपको डेमो दीजिएगा सर, कि बच्चों को ये पता चल पाए कि वॉट लेवल आर वी गोइंग टू प्रोवाइड. ऐसा आपको अच्छे अच्छे जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके पास भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर सीखने नहीं मिलेगा. तो मैं सर को रिक्वेस्ट करके माइक देना चाहूँगा और सर अब आपको बताएंगे कि कैसे इस सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएशन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ से हम लोग मूव करेंगे एंड थ्रू द कोर्स आपको बाकी टॉपिक सिखाया जाएगा. सर बिल्कुल, थैंक यू आदित्य. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टैली ERP 9 के बारे में जानने वाले हैं. हाँ, तो जैसा कि आदित्य ने कहा कि टैली के बारे में सबने सुना तो होगा, लेकिन इसको कैसे रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं ये बहुत ही चैलेंजिंग है. तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि टैली ERP 9 एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग को रिपोर्ट्स के साथ प्रोवाइड करता है. और रिपोर्ट्स के बेसिस में हम लोग क्या है कि डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड. ठीक है, तो ERP इसीलिए इसको tally.erp9 बोला जाता है. ERP का मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यही है कि जो भी इनपुट डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग का जनरेट होता है, परचेजेस, सेल्स से रिलेटेड, इन्वेंट्री, बैंकिंग से रिलेटेड, ये हम लोग इनपुट करते हैं टैली में या जो भी ERP सॉफ्टवेयर होता है उसमें, और उससे हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं जैसे कि बैलेंस शीट, PL, डे बुक, जो हम लोग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ जो होता है टैली ERP 9 का कंपनी क्रिएशन, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं. तो देख, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विंडो खुला हुआ है टैली ERP 9 का. यहाँ पर एक कंपनी इन्फो बोल के एक बॉक्स आ रहा है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हम लोग को दे रखे हैं, सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विट करके. तो मैं एक एक करके आपको सबका फीचर बता देता हूँ कि सिलेक्ट कंपनी जब आता है, मतलब जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जब हम लोग का ऑलरेडी टैली में डेटा क्रिएटेड है. अगर हम लोग ऑलरेडी टैली में डेटा कुछ खोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा क्रिएट नहीं किया है, तो अभी सिलेक्ट कंपनी करने से कुछ नहीं आएगा. उसके बाद है लॉग इन एज रिमोट यूज़र. लॉग इन एज रिमोट यूज़र एक फीचर है जो हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग कहीं से भी टैली को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी कंप्यूटर से. बस हम लोग को क्या है कि अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है और फिर हम लोग टैली को एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी. जो थर्ड ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, यहाँ पर जा करके हम लोग कंपनी क्रिएशन सीखते हैं. तो सर, ये जो लॉग इन में जो आप बोल रहे रिमोट यूज़र वाला काम कर सकते हैं, इसमें तब तो ये एकदम क्लाउड जैसा हो गया कि हमारा डेटा एकदम क्लाउड में कहीं सेव है और हम लोग वहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग. अभी हाँ, जब बेसिक वर्जन ऑफ टैली जो आया था शुरू में, उसमें ये फीचर नहीं था. जैसे जैसे अपडेट होता गया टैली, तो उसमें अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर आ गया है. एक्सीलेंट, चलिए सर क्रिएट कंपनी बताइए. ठीक है, क्रिएट कंपनी में हम लोग जाते हैं.
क्रिएट कंपनी प्रेस करते ही एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विंडो ओपन हो चुका है। सबसे पहले आ रहा है डायरेक्टरी। अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं उसका जो बेसिस बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होता है वो होता है सी ड्राइव में। तो हम लोग जो टैली में जो डेटा क्रिएट करेंगे वो जाके सी ड्राइव में ही सेव होगा। ठीक है, तो कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी नेम राहुल एंटरप्राइजेस, नेम डालते ही मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हम लोग एड्रेस डाल देते हैं इसमें 22/1/A पिकनिक गार्डन कोलकाता कंट्री इंडिया स्टेट वेस्ट बंगाल पिन कोड 700021। इसमें हम लोग सारे अपने बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स डाल देते हैं। मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, हम लोग अपने बिजनेस के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद आता है बुक्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 चल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली को भी पता है कि फाइनेंशियल ईयर अभी 1920 चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अगर हम लोग को पुराने फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा मेंटेन करना है बाय चांस तो हम लोग चेंज कर सकते हैं 1/4/18 फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आता है टैली वॉल्ट पासवर्ड। ये फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है जो टैली हम लोग को प्रोवाइड करता है अपना डेटा को सिक्योर रखने के लिए। ठीक है, ये हम लोग एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं जिससे हम लोग जब भी टैली में अपना डेटा लॉगिन करेंगे तो वो बिना पासवर्ड के लॉगिन होगा नहीं, हम लोग पासवर्ड डालने के बाद ही वो लॉगिन होगा। करण@123 सर, तो अपना पासवर्ड बोल रहे हैं आप, अपना पासवर्ड किसी को बताइएगा मत, हाँ, वरना आपका वॉल्ट अनसिक्योर हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ भी कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस। सिक्योरिटी कंट्रोल एक फीचर है जो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सब फीचर्स ऑटोमेटिकली यही रहेगा, बेस करेंसी, फॉर्मल नेम, एंटर करते करते हम लोग जा सकते हैं। लास्ट में जब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद जो हम लोग एंटर करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा एक्सेप्ट येस और नो, तो येस करते ही हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हम लोग देखेंगे उसमें वाउचर्स जो है सब क्रिएट हो चुके हैं। येस करने का फीचर ये है कि हम लोग कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, येस के लिए वाई और नो के लिए नो भी कर सकते हैं। अगर हम लोग नो करेंगे तो ये वापस से हम लोग को पीछे ले जाएगा, अगर बाई चांस हम लोग कोई गलती कर दिए तो पीछे जा कर के चेंज कर सकते हैं। फिर वापस से एंटर करते करते हम लोग आएंगे नीचे, फिर मैसेज आएगा यस एंटर, आप देखिए कंपनी क्रिएट हो रहा है। तो ये कितना वक्त, अब ये जो टैली वॉल्ट पासवर्ड है, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? टैली वॉल्ट पासवर्ड का मतलब यही है कि ये एक हमें अब पासवर्ड डालना पड़ेगा, बिना पासवर्ड डाले हम लोग अपना डेटा को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो मतलब लोग ऑटोमेटिकली उस कंपनी के अंदर चले जाएंगे, हाँ, पासवर्ड डालते ही कंपनी के अंदर KARN@123। अब देखिए ये हम लोग का कंपनी क्रिएट हो गया है। तो क्या ये जो है यहाँ पे हम लोग टैली पूरा सीख गए? नहीं नहीं, ये तो एकदम बेसिक चीज है। ओके, तो सर आप बेसिक चीज इसे बताएंगे यहाँ पे? हाँ, अब अभी नेक्स्ट क्लास के लिए गेटवे ऑफ टैली क्या है? गेट, हाँ, ये एक विंडो ओपन हो जाता है जिसके बाद अच्छा, एक एक पार्ट के ऊपर आपको पूरा सिखाना होगा। हाँ, एक एक पार्ट। अकाउंट्स इन्फो में क्या है? पहले मास्टर्स, अकाउंट्स इन्फो में जाके देखते हैं क्या? पहले मास्टर्स, मास्टर्स है, मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो के अंदर अकाउंट्स है, उसके अंदर ओह माय गॉड, ये ग्रुप लेजर्स, वाउचर टाइप्स, हाँ, ग्रुप्स क्रिएट करना होगा, वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। अगर हम लोग वाउचर टाइप्स, ये है कि ऑलरेडी क्रिएटेड भी रहता है और हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर हम लोग अगर चेक करना चाहे तो टैली हम लोग परचेज ऑर्डर से, ओह माय गॉड, ये सब देखो। काफी टाइम लगेगा सीखने में तो? हाँ, अगर आप कितना महीने में सो सिखा देंगे?
डेडिकेशन के साथ अगर हम लोग सीखे तो देखिए टाइम बहुत कम है एग्जाम के लिए, तो आप कितने महीने में इसको सिखा सकते हो? 2 मंथ्स के अंदर ही हम लोग सीख जाएंगे, 2 मंथ्स के अंदर इतना सारा चीज अगर डेडिकेशन के साथ। बैक जाइए, मैंने कुछ और देखे, अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर इसको दिखा दीजिए। अकाउंटिंग वाउचर्स है परचेस सेल, वो राइट हैंड साइड में सब दिख रहा है, राइट हैंड साइड जर्नल, राइट, पेमेंट रिसीट, पेमेंट रिसीट बेसिकली बैंक के लिए। 2 महीने में हो जाएगा राइट? जी 2 महीने में। ओके सर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि करण सर जो अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हो जाएगा, तो आप लोग या तो इसकी लाइव क्लासेस ले सकते हो या तो इसके वीडियो क्लासेस ले सकते हो। जो भी क्लासेस है आर वेरी एट ए नॉमिनल चार्ज, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर सिखाने का मेन मकसद यही है कि आप जब भी आप बाहर जाओ प्रोफेशनल फील्ड में, तो आपके पास वो एक वेपन होना चाहिए जिससे आपके पास बाकियों के ऊपर एज रहे, ठीक है? बिकॉज आजकल के कंपटीशन इज अ कट थ्रोट कंपटीशन। इफ यू हैव टू बी द बेस्ट, मतलब यू हैव टू सक्सीड इन लाइफ, देन यू हैव टू बी द बेस्ट। ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कहानी है, और देर इज नो, मतलब कोई याद भी नहीं रखता सेकेंड कौन था, ठीक है? एवरी वन ओनली प्रेजर फॉर द फर्स्ट बैच। हमारी 15th February से शुरू होने वाली है। जिसको भी एनरोल करना होगा, जो भी पॉपअप मैसेज नीचे आ रहा है, आपके फोन नंबर दिए हुए हैं। नया एक सेंटर ऐड हुआ है हमारा हावड़ा एसी में, ठीक है? तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। भवानीपुर, गिरीश पार्क, टॉलीगंज, बांगुर एंड हावड़ा एसी, ये 5 सेंटर में आप कहीं पे भी एनरोल करो। सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि हमारे जो मेन पर्पस होता है वो है ग्रोथ। जैसे सुपर 30 होता था, वैसे हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 24-30 पीपल रहते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो एज सून एज एनरोल करिए एंड अपॉर्चुनिटी पाइए करण सर से सीखने का। थैंक यू, थैंक अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, ठीक है? थैंक यू। आप भी अपने तरफ से कुछ बोल दीजिए अगर आपको बोलना है सर। हाँ, आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल करा लीजिए, क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है और हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं टैली से। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और बेसिक चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।